नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतिहास में पहली बार मेंस परीक्षा के लिए 3 महीने से कम समय दिया जा रहा है, जो न सिर्फ युवाओं बल्कि राजस्थान के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर को बनाने में राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं ले रहा। फॉरेस्ट एरिया निकला है, वो सेंचुरी की तरह एरिया था, उससे निकला है, पत्थर उसके बाद में गया है, तो राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को बनाने के अंदर। उसके लिए कोई नाम नहीं ले रहा है, न मोदी जी ले रहे हैं, न वहाँ कोई वहाँ के जो लोग हैं उनको याद करना चाहिए कि अगर राजस्थान सरकार कोऑपरेट नहीं करती, मिस्टर मिश्रा जी जो थे वो भी, और मिस्टर राय जो अभी जिनका नाम आया था विवाद के अंदर, संपत राय जी, वो खुद मुझसे आके मिले थे। मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया था, हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया और जाके इसको पूरा टेक्निकली एरिया को निकलवाया गया भारत सरकार से, पर्यावरण से और फॉरेस्ट से, तब जाके मंदिर का निर्माण हो सका है। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते, भूल रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था, मतलब बुलाए नहीं बुलाए, उनकी मर्जी है, नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा मेरी मर्जी पर है, पर ये जो तरीका इनका है। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का विवादित बयान सामने आया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी शहरों के नाम बदलने का काम कर रही है, इनमें दम है तो लाल किला तोड़ कर दिखाएं, बीजेपी को सिर्फ तोड़ना आता है। बात करते हैं, कुछ बनाने की भी बात करती है बीजेपी, बीजेपी से तोड़ने की बात करती है, और बीजेपी में दम चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी देश में जो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले कुछ भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए तो उनको तोड़ना चाहते हैं क्या? तो फिर तो पूरी दिल्ली टूट जाएगी, फिर तो आप कह दोगे हम तो दिल्ली का लाल किला भी तोड़ेंगे, फिर ये भी कह देंगे ना, फिर दिल्ली का लाल किला भी तोड़ देंगे। तो दिल्ली के लाल किले पे तो सारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। इस देश को आप हिंदू और मुसलमान में बांट कर नहीं देख सकते। फिर आप ये कह देंगे बीजेपी वाले लाल किला तोड़ देंगे बीजेपी वाले लाल किला। मैं जो MP साहब हैं उनसे कहूंगा आप तोड़ कर दिखाइए, हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, आप तोड़ के दिखाइए, हम भी तो देखें आप में कितनी ताकत है। मैं इनकी ताकत देखना चाहता हूँ, बीजेपी वालों की राजस्थान में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। आज तो ये कह रहे हैं कि हम 2.5 दिन का झोपड़ा तोड़ देंगे, फिर कहेंगे हम लाल किला तोड़ देंगे। अब क्या क्या तोड़ सकते हो तोड़ के दिखाइए बीजेपी वालों को, बनाया तो इन्होंने कुछ नहीं, अब क्या तोड़ सकते हो। अयोध्या का राम मंदिर धार्मिक चर्चाओं के साथ ही सियासी चर्चाओं का भी विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस नेता पायलट ने राम मंदिर के श्रेय को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करना गलत है, आपको राजनीति करनी मुद्दों पर करें, धर्म पर नहीं। राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, क्या आप 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। आपने लोग हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, पर आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करे तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब
भगवान राम को मानते हैं, मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है मैं उसको गलत मानता हूँ। पेपर लीक मामलों पर भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और इन मामलों की जांच चल रही है, दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके परिवार के साथ साथ लोग मैरिज में आए और आरएस बन गए। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पेपर लीक हुए, लॉ कर्मे से रात को पेपर लीक हो जाते थे। मित्रों आप ही जानते हो कि लॉकर की दो चाबियां होती हैं, अगर दो चाबियां होती हैं तो उसमें से पेपर निकल करके कैसे गया। हमने आपसे वादा किया था कि हम पेपर लीक वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमने आपके बीच में कहा था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया और उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ कर दिया। अब आए दिन देख रहे हैं हमने जिस तरह से जो पेपर लीक में जिन्होंने सहयोग किया या वो लोग रहे थे, उनकी गिरफ्तारी भी प्रारंभ हो गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पेपर लीक के अंदर कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनको युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, ऐसे लोगों को किसी भी तरह से बख्श नहीं जाएगा। ये हमने आपसे वादा किया और हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो यही आए दिन कोई ना कोई आता था, कोई बदरी माफिया, कोई धनन माफिया, कोई भू माफिया, गैंग आते थे। कोई हरियाणा से आता था, कोई उत्तर प्रदेश से आता था, कोई पंजाब से आता था, प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने का काम करते थे। हमने आपके बीच में वादा किया था कि कानून का राज राजस्थान के अंदर चलेगा, इस तरह से ये गैंगवादी का खेल यह नहीं चलेगा। हमने उसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी निर्माण हमने किया और आपने देखा होगा उन्होंने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया। और हम कहना चाहते हैं कोई किसी भी प्रदेश का हो, राजस्थान ये शांति का प्रतीक है, ये राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, इसको गुंडागर्दी का किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी तरह से के तो नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुआवजा नीति के तहत जमीन के बदले जमीन देने के मामलों पर रोक लगा दी है। मुआवजे से जुड़े ऐसे सभी मामलों में आगामी आदेश तक आगे फाइलों में ही बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में सेक्टर रोड के बड़े मामले हैं, जहां भूमि मालिक और कॉलोनाइजर्स को उपकृत किया जा रहा है। उनसे जो जमीन ली गई उसके बदले मुआवजे के तौर पर अच्छी जगह ज्यादा मूल्य की भूमि दे दी गई। पूर्वोत्तरी कांग्रेस सरकार में केवल इन शहरों में ही ऐसे 27 बड़े मामले बताए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम लाल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कहीं हर्ष उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं भिलवाड़ा भी अछूता नहीं है। भिलवाड़ा जिले में भी पहली बार 125,000 हनुमान चालीसा का 81 विद्वान पंडितों द्वारा अखंड पाठ किया जा रहा है। यह आयोजन भिलवाड़ा शहर के हृदय स्थल पर स्थित पेंच एरिया बालाजी मंदिर में किया जा रहा है। इस दौरान पूरा माहौल राम भक्तिमय हो रहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य रामलीला मंदिर नव निर्माण एवं रामलला को भव्य भवन में विराजमान करना एवं नूतन मूर्ति प्रतिष्ठापना महोत्सव तारीख 22-24 को है। यह विश्व का ऐतिहासिक अनूठा धार्मिक उत्सव है। इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र में हर जगह है विभिन्न प्रकार से धार्मिक आयोजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम अत्यंत ऐतिहासिक रूप से सफल हो। उसी क्रम में भिलवाड़ा में बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्ट के में 125,000 हनुमत चालीसा अखंड पाठ अनुष्ठान तारीख 7-24 को आरंभ हुआ, जो 22-24 तक
रामलीला मूर्ति प्रतिष्ठापना उपरांत सायकालीन दीप दान तक पूर्ण होगा। इसके अंतर्गत लगभग 81 पंडित अविरत 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं और भिलोड़ा शहर के सभी धर्म प्रेमी भी बारी बारी से इस अनुष्ठान में योगदान दे रहे हैं। यह अनुष्ठान एक ही यजमान श्री जानकी लाल जी सुहालका द्वारा उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में हो रहा है। भगवान उनको और इस कार्यक्रम में शक्ति दे और हम सब पंडित ये कामना कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य वापस उसी प्रकार करें जैसे रामायण काल में उन्होंने किया था। भिलवाड़ा शहर मुख्य बाजार कहे जाने वाले सूचना केंद्र, नेताजी मार्केट, आजाद चौक सहित शहर के अन्य बाजारों से नगर परिषद ने दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण को हटाया, साथ ही कई जगहों से सामान भी जब्त किया गया। नगर परिषद की इस कार्यवाही से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार अतिक्रमण दस्ते को देख पहले ही सामान समेटने लगे। श्रीमान सभापति महोदय और साहब के आदेश के अनुसार हमने अतिक्रमण कार्रवाई करी है और सतत चल रही है। पिछले 5 दिन से हम इस कार्रवाई को मंगे ला रहे हैं। मेरे साथ में मेरी टीम में मेरे स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार जी, जमादारी छोटू जी और उनकी पूरी टीम साथ में लगी हुई है और ट्रैफिक वाले भी हमारे साथ लग के ये कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये कार्रवाई को और आगे और बढ़ाएंगे। आज आज़ाद चौक से लेकर अपने नेताजी मार्केट हो गया, अपना सूचना केंद्र हो गया, पूरा एरिया ले लिया है। आगे भी हम रोडवे बस स्टैंड करके एरिया भी क्लियर करना है अभी हमको, ताकि वो एरिया भी क्लियर होगा। जनता को संदेश यही है कि भी अगर आप सफाई के लिए थोड़ा जागरूक रहेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि अगर आप अतिक्रमण नहीं करें तो आपकी सफाई व्यवस्था भी ढंग से रहेगी। और इन्हें 2 दिन पहले इनको पहले सूचना दिया, सभी को सूचना दी हमने और कंटिन्यू हमारी गाड़ी घूम रही थी जिससे हम इनको सूचना दे रहे थे, चेतावनी कंटिन्यू दी जा रही थी और अभी भी चेतावनी देने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। आप 3 दिन पहले आजाद चौक में कार्रवाई करके आए, वहाँ वापस हो गए अतिक्रमण, उनको कहीं और लगाने की व्यवस्था चल रही है अभी हमारी, कहीं और किसी और जगह सुचारू रहेगी सारी गतिविधियाँ जो आज आपने की है लगातार करती जाएगी ताकि लोग कंटिन्यू रहेगी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से जीव प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। सरिस्का की सबसे बागिनी ST2 की मौत हो गई है। काफी समय से बीमारी के चलते बागिनी एंकिलोजर में थी। बागिनी के पूंछ में गहरा घाव था। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। शीतलहर को देखते हुए बूंदी और बीकानेर में स्कूलों में अवकाश बढ़ाया है। बूंदी और बीकानेर में सर्दी का प्रकोप बढ़ने और शीतलहर की अधिक संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर की ओर से शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया है। बूंदी में विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। बीकानेर में कक्षा 8वीं तक के बच्चों का शीतकालीन अवकाश 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।